हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना सिंह। मेरे डिलीशियस फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, आप देख सकते हो ये हरे लहसुन है और इसका अचार बनाने जा रही हूँ, जो खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है लेकिन फ्रेंड्स ये विटामिन से भी भरपूर होता है। और इसमें क्या क्या विटामिन पाए जाते हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें विटामिन B1, B2, B3, B6, फोलेट, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और जिंक, इतने सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं। तो आप जान सकते हो कि इसमें कितना मतलब फायदे हैं। और सर्दियों के मौसम में तो ये मिलता है, तो हमको यूज़ ज़रूर करना चाहिए क्योंकि सर्दियों के मौसम में जब ये खाएंगे तो जो हाई ब्लड प्रेशर का जो जिसको प्रॉब्लम रहता है वो भी दूर हो जाता है। और फ्रेंड्स आप जान सकते हो कि कितने फ़ायदेमंद है, ये इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, जोड़ों में दर्द हो या पाचन तंत्र, जो हमारा जो पाचन क्रिया सही ढंग से नहीं चल रहा है तो उसमें भी फायदेमंद होता है। तो इसका हमको उपयोग जरूर करना चाहिए किसी न कोई ना कोई इसका चीज़। तो इसका पिकल बहुत अच्छा लगता है, अचार बहुत अच्छा लगता है, तो आज इसका मैं अचार बनाने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैं एक पाव ये जो लहसुन है हरा वाला एक पाव ली हूँ, और इसके क्या है कि इसको मैं अच्छे से फ्रेश कर ली हूँ धो करके। तो इसको कट करना है अभी हमको। तो फ्रेंड्स पहले इसको हमको कट करना है, तो जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको मैं कट करके और इसको मैं अलग कर देना है हमको, और इसको जो है ना अलग करना है हमको। तो इस सारे जो फ्रेंड्स इसको मैं काट करके अलग करके आई इसको चॉप करूँगी और फिर चॉप करके इसको मैं धूप में डालूँगी। तो पहले इसके ऊपर वाला जो ये भाग है ना इसको मैं अलग कर देती हूँ और इसको इसको हम अलग कर देंगे, और जो इसकी पत्तियाँ वाला भाग है ना इसको हम अलग कर देंगे। तो पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैं पत्तियों को इसके पत्तियों को अलग कर ली हूँ कट करके, और इसका जो ऊपर का जड़ है ना उसको भी अलग कर ली हूँ, जड़ और तने को दोनों को अलग अलग कर ली हूँ। और इसको मैं थोड़ा 2 घंटे धूप में रखूँगी, और ये हरी मिर्च है इसमें ऐड करूँगी, तो इसको भी थोड़ा धूप में रख दूँगी, थोड़ा जो इसमें नमी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा अचार जो है उसको हम प्रिजर्व करते हैं 1 साल तक, वो ख़राब नहीं होगा। और ये अदरक है आप देख सकते हो, इसको भी मैं कट कर ली हूँ। तो ये जो सामान मेरा तीनों सामग्री है इसको मैं धूप में सुखाने के लिए जा रही हूँ। तो 2 घंटा इसको सुखा करके तो इसके बाद मैं इसका पिकल तैयार करूँगी, तो आपको दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैं इसको 2 घंटे घाम में सुखाई थी इसको धूप में, और ये अच्छे से मेरा इसमें जो थोड़ा भी नमी नहीं है अच्छे से सूख गया है। तो ये मेरा अचार जो है इसको मैं 1 साल तक प्रिजर्व रख सकती हूँ। और फ्रेंड्स ये इसके जो ऊपर के हिस्से इसी को काट करके इसको भी मैं धूप में डाली थी, और ये हरी मिर्च है इसको भी मैं अच्छे से, इसमें थोड़ा भी नमी नहीं है, मैं इसको अच्छे से सुखवा ली हूँ धूप में। और फ्रेंड्स ये अदरक का टुकड़ा है थोड़ा सा ली हूँ, तो इसको भी मैं अच्छे से धूप में सुखवा ली हूँ। तो फ्रेंड्स पहले मैं इसको छोटे छोटे टुकड़े में इसको चॉप कर लूँ, तो इसको चॉप करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में इसको हम काट लेते हैं पहले नाइफ की सहायता से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसको मैं कट कर ली हूँ, लेकिन इसको चॉपिंग जो होता है चॉप करने के लिए उसमें मैं इसको चॉप करूँगी। और फ्रेंड्स इसको भी कट कर ली हूँ,
और इसको भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ, और जो हरी मिर्च है ना इसको भी मैं कट कर ली हूँ। तो इन तीनों को मैं पहले चॉप करूँगी, तो इसमें मैं इसको चॉप करूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पहले इसको मैं चॉप कर लूंगी थोड़ा थोड़ा। तो फ्रेंड्स इसे मैं डाल दी हूँ इसको, तो फ्रेंड्स सारे चीज़ों को मैंने दरदरा में इसको चॉप कर ली हूँ। इसको भी जो हरी मिर्च है इसको भी मैं इसी में कर ली हूँ, और ये फ्रेंड्स है लहसुन और अदरक है इसको भी मैं कर ली हूँ, इसमें चॉप कर ली हूँ। तो अगले प्रोसेस की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं गैस के फ्लेम को ऑन करके पैन को रख दी हूँ, और इसमें मसाले जो है हमारे उसको रोस्ट करूंगी। तो मसाले में फ्रेंड्स मैंने ये सरसों है पीली सरसों, इसको मैं इसमें डालती हूँ रोस्ट करने के लिए। और फ्रेंड्स ये 2 टेबल स्पून धनिया है साबुत धनिया, तो इसको मैं दोनों मसालों को पहले मैं रोस्ट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स मेरे मसाले जो हैं रोस्ट हो गए हैं, चटकने लगे हैं, तो इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ ठंडा होने के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें मैं मसाले को ठंडे होने के लिए रखी हूँ, और इसमें ऑयल ऐड कर दी हूँ, तो थोड़ा मेरा गर्म हो जाए ऑयल। तो फ्रेंड्स इसमें मैं 1 पिंच हींग ऐड करती हूँ। तो फ्रेंड्स इसी में मैं जो मेरा अदरक है और चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक है इसको मैं इसमें ऐड कर दे रहे हैं। मैं 2 मिनट इसको सिर्फ पकाऊंगी इसमें 2 मिनट। इसी में फ्रेंड्स मैं जो हरी मिर्च है चॉप की हूँ उसको भी ऐड कर देती हूँ। और इसी में मेरा जो लहसुन है चॉप किया हुआ इसको भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, और इसको मैं 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट इसको पकाऊंगी। तो फ्रेंड्स मेरा 2 मिनट हो गया है, और इसको गैस को हम फ्लेम को बंद कर देते हैं, और इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, थोड़ा ठंडा हो गया, तो इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। तो पहले जो मैं जीरा और राई फ्राई रोस्ट की थी, तो उसका जो पाउडर है उसको ऐड करते हैं हम इसमें। तो फ्रेंड्स इसमें मैं कलौंजी वाला मसाला है जो, इसको ऐड करते हैं इसमें। ये 1 टेबल स्पून सौंफ है फ्रेंड्स, एक खड़ा मसाला मैं डाल रही हूँ। एक कलौंजी मसाला था 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सौंफ था, इसको ऐड करते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स इसमें मैं अजवाइन ऐड करती हूँ, ये भी 1 टेबल स्पून खड़ा मसाला है, इसको भी ऐड करते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स इसमें हल्दी पाउडर ऐड करते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स कलर के लिए मैं 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, जो देगी लाल मिर्च पाउडर होता है उसको डाल रही हूँ इसमें, 2 टेबल स्पून छोटे स्पून से है। और फ्रेंड्स 3 टेबल स्पून अमचूर पाउडर है, इसको इसमें ऐड कर रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ, अचार में तो थोड़ा ज़्यादा ही नमक पड़ता है, तो इसको हम मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको मिक्स कर देते हैं अचार को अपने।
तो फ्रेंड्स ये इतना टेस्टी लगता है कि एक बार ज़रूर बनाइएगा, मेरे हिसाब से बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप इसको एक साल प्रिजर्व कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मेरा अचार तैयार हो गया, आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो फ्रेंड्स इसको हम एक साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा हम एक ढक्कन विनेगर ऐड करते हैं, इससे हमारा अचार एकदम अच्छा रहता है और ख़राब नहीं होता है। और फ्रेंड्स इसको हम मिक्स कर देते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे अचार का जो कलर है कितना अच्छा आया है। तो जैसा कलर दिख रहा है फ्रेंड्स ना, वैसा खाने में भी बहुत टेस्ट अच्छा आएगा इसका। तो आप लोग एक बार ज़रूर बनाकर मेरे हिसाब से ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको हम सर्व करके दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स मेरा लहसुन का अचार बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगले रेसिपी के साथ आऊँगी फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर फ्रेंड्स।